हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव प्रताप सिंह। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर एट RBS पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। और मैं आपको जो सब्जेक्ट आज पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट का अध्ययन हम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में करते हैं। और जैसा कि पुरानी वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था, इसमें हम मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक्स का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो पूरी तरह ज्ञान होता है, लेकिन किसी किसी परिक्षेत्र में या कहीं कहीं जब इंडस्ट्री में काम किया जाता है तो मैकेनिकल तथा सिविल के कंपोनेंट्स का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना इसके कोई भी इंजीनियरिंग पूर्ण नहीं है। मैकेनिकल का हर जगह कोई ना कोई प्रयोग रहता है, जैसे कि मशीन्स का, उसी प्रकार सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी किसी ना किसी चीज़ का प्रयोग हर जगह रहता है। तो पुरानी वीडियो में हमने इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके मैकेनिकल का सेक्शन पढ़ाऊँगा, ठीक। सिविल इंजीनियरिंग का सेक्शन कोई अन्य टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक ऑफ मैकेनिकल के बारे में। तो इसमें जो पहली यूनिट है उसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग। क्या नाम है उसका? थर्मल इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि एनर्जी आखिर है क्या चीज़। तो एनर्जी क्या है? बेसिकली एक फिजिकल टर्म है। क्या है? एक फिजिकल टर्म, ठीक। एनर्जी से तात्पर्य क्या है? ऊर्जा। तो ये क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कैपेसिटी टू डू अ फिजिकल वर्क और फिजिकल सिस्टम टू डू अ वर्क इज नोन एज एनर्जी। यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक। और एनर्जी को क्या है हम डिनोट करते हैं? किससे? ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। इसकी यूनिट होती है जूल। क्या कहते हैं इस यूनिट को? जूल कहते हैं, जिसे कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल जे से। मेनली जो एनर्जी है वो क्या रहती है? दो फॉर्म्स में रहती है ज़्यादातर। पहली जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड जो फॉर्म रहती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का तात्पर्य होता है संभावित या स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक का तात्पर्य होता है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक गतिज यानी के जो मोशन के कारण एनर्जी जनरेट होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, और जो स्थिति या संभावित क्षेत्र के कारण जनरेट होती है एनर्जी उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या संभावित ऊर्जा। तो ये तो कहता हमारा बेसिक था कि एनर्जी क्या चीज़ है और एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में। तो क्या क्या एनर्जी की डेफिनेशन हो गई? कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा से डिनोट करते हैं, यानी कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ फिजिकल वर्क, डूइंग अ फिजिकल वर्क, ठीक। सेकेंड क्या है हमारा? अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक के बारे में, या इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा प्रवेगी या ऊष्मा गतिकी। क्या कहते हैं इसको? ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या तात्पर्य है? थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिलेशंस बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। यानी कि ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हीट अर्थात ऊष्मा, वर्क कार्य, टेम्परेचर अर्थात तापमान, और एनर्जी अर्थात ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? ऊष्मा गतिकी कहते हैं, ठीक। उसका नाम क्या कहते हैं? ऊष्मा गति या थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? एक सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? एन इनक्लोज्ड स्पेस दैट हैज बीन सेपरेटेड फॉर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरफियरेंस या इन्फियरेंस इज कॉल्ड एज सिस्टम। एक संलग्न स्थान जिसे विश्लेषण, अवलोकन और अनुमान के लिए अलग किया है, क्या कहलाता है? एक प्रणाली या सिस्टम कहलाता है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए तरीके डिफाइन करें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड प्रेस्क्राइब्ड रीजन ऑफ स्पेस। वह जहां पदार्थ की एक सीमित मात्रा या अंतरिक्ष में निर्धारित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक एक ऐसा एरिया है जिसमें
किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई पदार्थ सम्मिलित रहता है, उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक कहते हैं। आप देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम किस प्रकार से दर्शाया गया है, कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक निर्धारित परिक्षेत्र में सीमित होता है। निर्धारित परिक्षेत्र का तात्पर, जैसे हम किसी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम के तरफ क्या है, चारों तरफ दीवार है, तो उसके अंदर का जो एरिया है, जो ओपन स्पेस है, उसे क्या कहते हैं हम, सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सिस्टम कहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर बात की जाए हमारी पृथ्वी की, तो हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ क्या है, एक तरीके का गैसों का वायुमंडल है। तो वो जो गैसों का वायुमंडल है क्या कहलाता है, वो कहलाता है इसका बाउंड्री। क्या कहलाता है, इसकी बाउंड्री। और बाउंड्री के आसपास का जो क्षेत्र एरिया है वो क्या कहलाता है, इसका सराउंडिंग्स। क्या कहलाता है, इसका सराउंडिंग्स। ठीक, यानी कि हमारा कोई क्या है, रूम है। ठीक, ये क्या है, मान लिया हमारा रूम है, ये आर फॉर रूम है। तो रूम के जो अंदर की चीज़ है वो क्या कहलाएगी, हमारा सिस्टम। ठीक, इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है, ये क्या कहलाती है, इसका बाउंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका बाउंड्री कहलाता है। और जो ये सारा खाली स्पेस है, खाली स्पेस से तात्पर्य है हमारे घर के अलावा जो सारा स्पेस है, जैसे गली मोहल्ले, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे इसके सराउंडिंग्स। क्या कहलाएंगे, इसके सराउंडिंग। यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ साथ उसके क्या लगा हुआ है, जो गैसों का एनवायरनमेंट है वो कहलाता है उसकी बाउंड्री। और उस एनवायरनमेंट के बाहर जो भी अंतरिक्ष खाली पड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, उसकी सराउंडिंग कहलाता है। तो ये क्या कहलाया, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाया। तो एक सीमित परिक्षेत्र जिसमें पहले से निर्धारित कोई ना कोई सीमा या बाउंड्री है, तथा उसके आसपास का जो खाली क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उसकी सराउंडिंग्स कहलाता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे कि बाउंड्री क्या होता है। तो बाउंड्री के लिए क्या डिफाइन किया है हमने, कि व्हाट इज़ बाउंड्री। तो बाउंड्री के लिए हमने दिखाया क्या है, इट इज़ अ रियल और इमेजिनरी एनवेलप इनक्लोजिंग अ सिस्टम कॉल्ड बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। तो क्या है, यह एक वास्तविक या काल्पनिक लिफाफा है जो एक प्रणाली को घेरता है, जिसे सिस्टम की सीमा या बाउंड्री कहते हैं। जैसा कि अभी आपको बताता है, एक वास्तविक या काल्पनिक, जैसे जो गैसेस का एनवायरनमेंट है वो क्या एक तरीके से काल्पनिक हमने मान लिया है। ठीक, और वास्तविक क्या हो सकता है, जैसे रूम की बात करी तो रूम के बाहर की जो दीवार है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक तरीके की वास्तविक लिफाफा टाइप का सेक्शन, यानी कि वह प्रणाली, वह क्या कहलाई, एक तरीके की बाउंड्री कहलाई। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारी डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सराउंडिंग्स। सराउंडिंग क्या होती है, तो सराउंडिंग से क्या तात्पर्य है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम के बाहर की हर चीज़ क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम के बाहर का कोई भी क्षेत्र क्या कहलाता है, सराउंडिंग। जैसे कि किसी डेस्क पे हमने एक बोतल रख दी है, तो बोतल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो सब क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। और जिस बोतल के अंदर पानी इकट्ठा है वो बोतल क्या कहलाएगी बाहर से, उसकी बाउंड्री। और पानी क्या कहलाएगा एक तरीके से, उसका सिस्टम। ठीक, तो ये सब क्या हो गई, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई और बाउंड्री हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है वो क्या आता है, वो आता है यूनिवर्स। कि यूनिवर्स से हम क्या समझते हैं, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम यूनिवर्स से क्या कहलाते समझते हैं, तो सिस्टम और इसके सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। यानी कि कोई हमारा सिस्टम, उसके आसपास की सराउंडिंग, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, यूनिवर्स कहलाते हैं। अगर हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। जैसे कि आप एक तरीके से ब्रह्मांड समझ सकते हैं कि हमारे क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एक तरीके से ब्रह्मांड है। पृथ्वी है, उसके चारों तरफ उसकी सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब अन्य ग्रह, तारे और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन सब के साथ साथ क्या हो गया, एक तरीके से सराउंडिंग कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारी, तो टाइप्स। अब टाइप्स क्या है, हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके टाइप्स पूछे गए हैं कि टाइप्स कितने हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है ओपन सिस्टम, दूसरा हमारा क्लोज सिस्टम, और तीसरा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो मेनली जो हमारा सिस्टम है उसको क्या है, तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, फिर इस फिगर को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसको, ओपन सिस्टम। हमारा ओपन सिस्टम, या हिंदी में कहें तो इसको खुला निकाय, क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको, खुला निकाय। तो इट इज़ अ सिस्टम इन विच बोथ मास इंट्रैक्शन एज वेल एज एनर्जी इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत क्रियाओं के साथ साथ ऊर्जा और
मास अर्थात द्रव्यमान दोनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है, मास का भी आदान प्रदान किया जाना है, ठीक, और जो हमारी एनर्जी है इसका भी क्या कर सकते हैं, हम आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या कहा इन्होंने, वाटर फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन, यानी कि किसी भी पाइपलाइन में क्या वाटर का फ्लो हो रहा है, जब वाटर का फ्लो हो रहा है यानी कि वाटर की जो मात्रा है वो क्या कहलाया, उसका मास कहलाया, और धीरे धीरे वो फ्लो हो रहा है तो सराउंडिंग जो भी पाइप का सेक्शन है उसके द्वारा टेम्परेचर का आदान प्रदान भी कर रहा है, तो वो क्या कहलाई उसकी एनर्जी ट्रांसफर। तो खुला निकाय क्या है, ऐसा निकाय जिसमें मास तथा जिसमें मास के साथ साथ एनर्जी का इंट्रैक्शन भी हो अन्य पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला फिगर देखते हैं, पहले फिगर में क्या, वो सॉरी लास्ट वाला फिगर देखते हैं, तो इस फिगर में क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है जो रेड लाइन है वो दिखा रही है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को, और जो वॉयलेट लाइन है वो क्या दिखा रही है एक्सचेंज ऑफ मैटर या मास। मैटर को क्या कह सकते हैं, एक तरीके से मास का नाम भी दिया सकता है, तो ये मास को दिखा रही है, तो इसमें क्या है मास का भी ट्रांसफर हो रहा है अंदर बाहर और साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ओपन सिस्टम, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लोज सिस्टम, तो इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में, बंद निकाय। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, बंद निकाय। तो इट इज़ अ सिस्टम इन विच देयर इज ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बट नॉट मास इंट्रैक्शन, यानी कि केवल क्या होता है एनर्जी का आदान प्रदान होता है, मास का आदान प्रदान नहीं होता। हिंदी में देख लें, केवल ऊर्जा अंतःक्रिया होती है लेकिन सामूहिक अंतःक्रिया नहीं होती, यानी कि मास ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो केवल क्या ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे अब एग्जांपल ले लिया इन्होंने सन का, किसका एग्जांपल ले लिया, सन का एग्जांपल ले लिया। अब सन का एग्जांपल किस तरीके से लिया, सूरज क्या है हमें ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है विकिरण के रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वो तो क्या है, वही नियत है जो कि इन्फाइनाइट है, क्या है इन्फाइनाइट है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्या होती है ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास का ट्रांसफर किसी भी प्रकार का सिस्टम के साथ नहीं होता, ठीक। अब हम फिगर्स देखते हैं, तो ये क्या हमारा क्लोज्ड फिगर है। अब जो इसमें क्या है ऑरेंज लाइन है उसमें देखिए क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जबकि मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मास का आपस में ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि अंदर से बाहर नहीं आ सकता मास सिस्टम में, और सिस्टम में बाहर से अंदर भी मास का ट्रांसफर नहीं किया सकता, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। अब जो थर्ड सिस्टम है, थर्ड सिस्टम में वो क्या कहलाता है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। क्या कहलाता है थर्ड हमारा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या कहते हैं, इसे आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम भी कह सकते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच नाइदर मास इंट्रैक्शन और नॉर एनर्जी, यानी कि इसमें मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और साथ ही साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, यानी कि ये एक तरीके से आइसोलेटेड सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, ये एक तरीके से आइसोलेटेड सेक्शन है, ठीक। तो ना क्या हो रहा है इसमें मास ट्रांसफ़र हो रहा, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि कॉफ़ी किसी थर्मस फ्लास्क में रखी है, जो हमारे थर्मस फ्लास्क हैं, ठीक, उसमें क्या होता है जब हमने कॉफ़ी फिल कर दी और उसको बंद कर दिया तो देखते हैं आप कि बहुत लंबे वक्त तक क्या रहती है, कॉफ़ी गर्म रहती है, ठीक। कोई भी सिस्टम क्या है पूरी तरीके से आइसोलेटेड तो नहीं हो सकता, लेकिन तो भी क्या है ये बहुत मतलब हद तक लगभग 95% तक क्या होता है एक तरीके का आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसमें क्या कॉफ़ी बहुत समय तक एक ही तापमान पर बनी रहती है और तापमान में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि किसी प्रकार की एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, ठीक। उसी प्रकार से कॉफ़ी की मात्रा भी नहीं घट रही, अगर मात्रा नहीं घट रही इसका क्या तात्पर्य है कि मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जिसमें ना इधर मास ट्रांसफ़र और नॉट एनर्जी। अब देखिए इस फिगर में, क्या दिखा रहा है, ना तो इसमें क्या है एनर्जी ट्रांसफ़र हो पा रही है, यानी कि अंदर वाली जो है ना तो वो बाहर जा पा रही है, यानी कि ये बाहर भी नहीं जा पा रही और बाहर से क्या ये अंदर भी नहीं आ पा रही। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली जो हमारा मास है या मैटर है वो भी बाहर से अंदर नहीं जा पा रहा और अंदर से जो है वो बाहर भी नहीं जा पा रहा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना इधर मास ट्रांसफ़र हो रहा नॉट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही। दोबारा से रिविज़न कर लेते हो, तीन टाइप के सिस्टम बताए कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में क्या हो रहा है, मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक।
क्लोज्ड में क्या हो रहा है, केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और तीसरा क्या हमारा आइसोलेटेड, इसमें नाइदर एनर्जी ट्रांसफर नॉट अ मास ट्रांसफर, तो तीनों ही चीज़ें इसमें ट्रांसफर नहीं हो रही हैं। तो ये थे हमारे तीन सिस्टम। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसके, हमारे थर्मोडाइनमिक वर्क की, कि कार्य से क्या तात्पर्य है थर्मोडाइनमिक्स में। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। इन थर्मोडाइनमिक्स वर्क प्रेफर्ड बाय अ सिस्टम इज द एनर्जी ट्रांसफर बाय द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। ठीक, अर्थात एक प्रणाली जिसके द्वारा किया गया कार्य या अपने परिवेश में स्थानांतरित की गई ऊर्जा के समान होता है। यानी कि कार्य क्या है, ऊर्जा का ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी का ही एक फॉर्म है, बट इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट, इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट यानी कि पारगमन, यानी कि ट्रांसफरेबल एनर्जी है, क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जाती है। जब कोई एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी क्या होगा, कार्य होगा, यानी कि लेकिन मूविंग एनर्जी, एक तरीके से काइनेमेटिक एनर्जी होनी चाहिए। और सिस्टम कंटेन्स नो वर्क, अगर कोई सिस्टम है तो एक स्थान पर ही है तो क्या है, उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा। वर्क इज़ अ प्रोसेस डन बाई अ सिस्टम और ऑन अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा या सिस्टम पर कार्य किया जाता है। ठीक है, सिस्टम पहले से कोई भी क्या कार्य को नहीं रखे हुए क्या किया जाता है, या तो सिस्टम द्वारा कार्य किया जाएगा या सिस्टम पर कार्य होगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले में हम डिफाइन करें तो W इज इक्वल टू क्या होगा थर्मोडाइनमिक में, P डेल्टा V। ठीक, P हमारा क्या है, प्रेशर है, और V हमारा क्या है, वॉल्यूम। V हमारा वॉल्यूम और P हमारा प्रेशर। नॉर्मली क्या होता है, जब हम वर्क को अगर पढ़ते हैं फिजिक्स में तो वो होता है क्या, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, हमारा वर्क कहलाता है। लेकिन थर्मोडाइनमिक वर्क अब डिफाइन करेंगे तो वो क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इट इज़ अकर्स व्हेन द वॉल्यूम वी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। द पी डेल्टा वी वर्क इज इक्वल टू द एरिया अंडर द प्रोसेस कर्व प्लॉटेड ऑन द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। इसको क्या, डायग्राम के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या एक ग्राफ है, किस किस के बीच ग्राफ है, पी और वी के बीच ग्राफ है। तो ये क्या हमारे ग्राफ को निर्धारित किया है, इस लाइन ने, अगर इस लाइन ने हमें निर्धारित किया है तो हमें इसमें कार्य का पता करना है। तो पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच में जो ये कवर्ड एरिया है हमारा, ये क्या कहलाता है, यही एक कवर्ड एरिया हमारा वर्क कहलाएगा। अब इस वर्क को निकालेंगे कैसे, वर्क को निकालते हैं हम डिफरेंशिएबल पी प्रेशर इनटू डी वी, क्योंकि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर हो रहा है एक तरीके से कर्वली चेंज हो रहा है, इनटू डी वी यानी कि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, वी आई से यानी कि इनिशियल और वी एफ यानी कि फाइनल, यानी कि लिमिट्स क्या हो गई हमारी, वी आई से वी एफ के बीच में लिमिट्स हमारी हो गई। ठीक, तो इसके जरिए क्या हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन की फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ पी डी वी, जिसके द्वारा हम थर्मोडाइनिक वर्क की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या है हमारा, आगे हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में मुख्यतः कितने लॉज बताए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताए थे, चार लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं, चार लॉज होते हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं, पहला होता है हमारा जीरोथ लॉ, पहला होता है हमारा जीरोथ लॉ, फिर होता है हमारा फर्स्ट लॉ, देन आफ्टर सेकेंड लॉ, एंड देन आफ्टर थर्ड लॉ। तो कितने लॉज हो गए टोटल, टोटल लॉज हो गए हमारे चार। ठीक, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। आपके में मेनली क्या है, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ की व्याख्या है। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसको, जीरोथ लॉ को। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ की क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो डेफिनेशन दी है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेट्स दैट इफ टू थर्मोडाइनमिक सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कि ऊष्मागतिकी में शून्य नियम क्या कहता था, कि दो थर्मोडाइनमिक सिस्टम अगर किसी तीसरे थर्मोडाइनमिक सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मल संतुलन में हैं तो वो एक दूसरे के थर्मल संतुलन में हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल्स में देखें हम, कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है हमारे पास ए सिस्टम, एक हमारे पास है बी सिस्टम। ये दोनों क्या थे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर थे। ठीक है, और साथ में जो हमारा बी है वो क्या है, हमारे थर्ड ऑब्जेक्ट सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर है।
यानी कि ए किसके साथ है, बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर, और बी हमारा क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर, तो ऑटोमेटिकली जो ए है वो किसके साथ होगा, सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का तात्पर्य है कि उनके टेम्परेचर या हीट सेम। अब आपको एक जनरल आपको एग्जाम्पल बताया जाए तो मेनली देखिए, कोई बोतल है उसको आपने रखा उसमें गर्म पानी, देन उसके साथ ही कोई आपने क्या रख दी अंदर एक ठंडी बोतल रख दी, यानी कि कोई एक बड़ा हमारे पास बर्तन है उसमें हमने क्या रखा गर्म पानी, उसी के अंदर एक छोटा बर्तन रख दिया उसमें क्या रख दिया हमने ठंडा पानी रख दिया, तो देखिए थोड़े देर बाद क्या होता है, इन दोनों का टेम्परेचर एक समान हो जाता है, यानी कि आपस में क्या कर लेते हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, आपस में टेम्परेचर को समान कर लेते हैं, तो यही क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरो लॉ क्या बताता है, अगर एक दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ, यानी कि ए बी के साथ और यही ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बी और सी हैं ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे, तो यही क्या दर्शाता है, हमारा जीरोथ लॉ दर्शाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि नेसेसिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की क्या आवश्यकता पड़ती है। अब एनर्जी की आवश्यकता से क्या तात्पर्य है, एनर्जी की तो हर क्षेत्र में आवश्यकता है किसी ना किसी प्रकार से, एक लिविंग एक तरीके से एसेंशियल लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ हो गई है, इसके बिना क्या है कोई भी कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो सूरज से प्राप्त हो रही हो या किसी भी अदर सोर्स से प्राप्त हो रही हो, वो क्या है एक तरीके से बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये चीज़ तो आप जानते हैं कि नेसेसिटी क्या हो सकती है, तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के एडवांटेज क्या हैं, अगर ये भी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही मतलब वैसी चीज़ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के क्या एडवांटेज किसे नहीं बताऊंगे, हर चीज़ के लिए आज के टाइम क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे आपके घर के फैंस हों, घर के इक्विपमेंट्स चल रहे हों, आपका इवन फ़ोन चल रहा है, मोबाइल लैपटॉप्स या इवन आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं, वो भी सब क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी पर ही डिपेंड है। अब उसके उत्पादन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कि कहाँ से उसको जनरेट किया जा रहा है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल को जलाकर कर रहे हों या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक, तो एडवांटेजेस तो आपको ऑटोमेटिकली पता है। नेक्स्ट क्या है, वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के सोर्स क्या हैं, तो मेनली क्या हमारे पास दो टाइप के ही सोर्स हैं, एक सोर्स है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कितने सोर्स हैं, दो ही सोर्स हैं, कौन कौन से, एक है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, ऐसे सोर्स जो क्या है प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते, यानी कि उनको रिन्यू किया जा सकता है एक तरीके से, यानी कि उनमें वेस्टेज नहीं जा रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्या कहलाते हैं, जिनको क्या है रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिन्यूएबल में रिन्यू एक वर्ड का मीन आ रहा है, इसका क्या तात्पर्य है रिन्यू करना, यानी कि दोबारा उपयोग में लाना। तो अब देखिए नॉन रिन्यूएबल कौन से, हमारे ऑयल से जो प्राप्त होती है, कोल से जो एनर्जी मिल रही है, न्यूक्लियर मिल रही है, नेचुरल गैस, इन सबको बर्न करने के बाद क्या दोबारा इनको प्राप्त किया जा सकता है, नहीं कर सकते दोबारा प्राप्त, ऑयल को नहीं किया सकता, कोल को भी क्या दोबारा नहीं प्राप्त किया सकता, न्यूक्लियर भी नहीं किया सकते, नेचुरल गैस भी नहीं। अगर ऐसा होता तो कभी ऑयल और ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती। ठीक, अब रिन्यूएबल में क्या होता है, रिन्यूएबल में हमारी एनर्जीज होती हैं विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या है, क्या हवा चलना बंद हो जाएगी, हवा के क्या पवन चक्कियाँ एनर्जी जनरेट करती हैं और हवा को कंजप्शन नहीं करती, क्या हवा को सोख लेती हैं, नहीं, वो क्या होती है हवा तो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती रहती है। हाइड्रो पावर में क्या रहती हैं टर्बाइंस, जो कि कहाँ पर हाइड्रो पावर जनरेट हो रही है डैम्स पे, यानी कि पानी के फ्लो के दौरान, तो पानी का फ्लो जनरेट करने के बाद, एनर्जी जनरेट करने के बाद क्या ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, तो वो भी क्या कर रहा है एनर्जी जनरेट करता रहता है। नेक्स्ट हमारा सोलर एनर्जी, तो सूरज से क्या है एक कंटिन्यूस हमें प्रकाश मिल रहा है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रकाश के रूप में मिलता रहता है, एक एनर्जी का सोर्स है, तो ये भी क्या एक तरीके का रिन्यूएबल। जियोथर्मल अर्थात जो ज़मीन से प्राप्त हो रही है हीट, तो वो क्या है वो तो निकलनी ही है किसी ना किसी प्रकार से, थर्मल यानी कि टेम्परेचर या एनर्जी के जरिए वो बाहर निकलनी ही है, तो उसका उपयोग कर लिया जाए तो वो किस तरीके से क्या है रिन्यूएबल एनर्जी। बायोमास यानी कि पेड़ पौधों का विघटन, जीवों का विघटन होता ही रहता है, उसके द्वारा जो हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाती है बायोमास एनर्जी प्राप्त होती है, जो भी क्या एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक,
तो ये आपके टॉपिक्स थे इस पहली यूनिट के कुछ, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जिसे भी इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर, जो कि एक टेलीग्राम लिंक है, क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।